लो साहब, आज है पार्किंग बिल्कुल फुल, रश है बहुत ज्यादा। मैं खड़ा हूँ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, ये देखो चारों तरफ पार्किंग फुल है आज। हाँ जी, और ये देखो आज सब आज पार्किंग फुल है। चलिए आगे चलते हैं, और आज है इतवार और कल है सोमवती अमावस, इस वजह से ये रश है आज। सोमवती अमावस जो है ना, आज की रात्रि जो है लोग यहाँ आएंगे रुके। रात का समय है इस वक्त 7:20 हो चुके हैं। ये देखिए फुल है ये पार्किंग आज। ये है जी तीर्थ राज ब्रह्म सरोवर, मेन पार्किंग है जो गेट के ऊपर है, देख रहे हैं आप। ये देखिए खूब रश है आज, रात का समय है। दूर दराज से माएँ बहनें बेटियां सुबह ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए जो है, ये देखिए ये है मेन गेट, देखा आपने पहले। ये आज का वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। ये देखिए सुबह है सोमवती अमावस और ये रात्रि का समय तीर्थराज ब्रह्म सरोवर। ये देखिए अभी तो रश बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ये है जी सुबह सोमवती अमावस्या और ये रात्रि का समय, आनंद और विभोर कर देने वाला। ये देखिए जी ये है इस वक्त ये चौक हमारा ब्रह्म सरोवर का, मैं दिखाता हूँ आज आपको। ये जस्ट मैं यहाँ पहुंचा ही हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ आगे ऊपर। इधर इस साइड में जो है गीता भवन, वहाँ पर रात्रि सत्संग भी होता आ रहा है पिछले कई सालों से, वो भी कोशिश करूँगा मैं दिखाऊँगा आपको। ठीक है जी, ये देखिए ये है इस वक्त का नज़ारा तीर्थराज ब्रह्म सरोवर पर। ये देखिए सदैव की तरह मुस्तैद, आपकी सुरक्षा सेवा के लिए टूरिस्ट पुलिस ट्रैफिक पुलिस सब आपकी सेवा के लिए यहाँ कार्यरत है बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से ड्यूटी करते हुए। आइए पहले चलते हैं जरा गीता भवन में, जो रात्रि की कीर्तन भजन संध्या होती है, पहले उसका देखते हैं कितनी तैयारी है, बाकी आपको फिर दिखाता हूँ। आइए ये देखिए इस वक्त का ये नज़ारा, भीड़ कारें स्कूटर मोटरसाइकिल पैदल सब अपनी अपनी पार्किंग को तलाश करते हुए और पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हुए। चारों गेटों पे पार्किंग है, ये दिखाई थी मैंने आपको। ये देखिए ये सब इस वक्त ये पोजीशन है और नज़ारा अजब गजब ब्रह्म सरोवर का रात। ये देखो सब खरीदारी के लिए सब लगी हैं दुकानें। सुबह है स्नान, ये देखिए ये है जी इस वक्त का तीर्थराज ब्रह्म सरोवर, वो सामने सर्वेश्वर महादेव का गेट।
ये देखिए, ये देखिए नजारा। ये रात्रि का आनंद है जी, वो सदैव की तरह सामने अर्जुन चौक, उधर से ही आ रही है जनता जनार्दन। ये देखिए नजारा, और ये है सामने ऊपर गीता भवन, वो लाइटें लगी हुई है। रहने की बड़ी उचित व्यवस्था है यहाँ, ये KDB डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, कुरुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड इसके बिल्कुल सामने पड़ता है। इसके दो रास्ते हैं, वहाँ से पैदल है, यहाँ से आप गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए ये गीता भवन का बोर्ड लगा हुआ है, चल के मैं ऊपर भी दिखाता हूँ आपको। चलिए ऊपर चलते हैं गीता भवन के, यहाँ से आप कार लेके ऊपर जा सकते हैं। ये देखिए कारें लगी हुई हैं, ये देखिए, ये जी गीता भवन, यहाँ भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप। रहने की AC नॉन AC फंटास्टिक कमरे उपलब्ध हैं यहाँ पे, जबरदस्त सुविधा है। ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, और अभी सत्संग की तैयारी है। यहाँ पर रात्रि का पूरा सत्संग होता है, और यहाँ से आप सुबह आरती के बाद स्नान कर सकते हैं ब्रह्म सरोवर पर, और अपना अपना स्थान लोगों ने ले लिया है। और ये है जी गीता भवन, है ना, ये बताया मैंने आपको, ब्रह्मसोर के बिल्कुल सामने। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, गीता भवन मंदिर एवं धर्मशाला, कुरुक्षेत्र जीर्णोद्धार समिति 1921, ठीक है जी। ऐसा दिखता है यहाँ से ब्रह्म सरोवर, देखिए ये देखिए नज़ारा नीचे का, ये सामने का नज़ारा जी, ये ब्रह्म सरोवर के सामने गीता भवन है, वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए सामने है ये कुरुक्षेत्रा डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके ठीक सामने है ये गीता भवन, वो सामने ज्योति प्रकाश का स्थान, पंखे वंखे आए पड़े हैं, तैयारी हो चुकी है। इतना मंदिर के चल के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये 1921 में निर्माण हुआ था जिसका के बारे में यहाँ लिखा भी होगा, एडवर्ड 1921, 5 अगस्त 1921, ये 5 अगस्त 1921 को ये निर्माण वो शुरू हुआ था ये मंदिर का। ये देखिए, और चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको मंदिर के अंदर। ये है जी श्रीमान KK गुप्ता जी, जो इस संस्थान के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं। और अंदर चल के राजा साहब के बारे में भी जानेंगे, जिन राजा साहब ने का क्या परिचय है उनका, और कैसे कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ वो सब जानेंगे गुप्ता जी के साथ ही। पहले मंदिर दिखाता हूँ जी, फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, ये इधर वो शिला लगी है जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखिए, ये है मंदिर का एंट्री। चलिए सब चलते हैं अंदर। लेफ्टिनेंट कर्नल महाराज सर वेंकट रमन सिंह बहादुर, जी सी एस आई महाराजा रीवा, तो जानते हैं हम इनके बारे में। ये राजा जी हैं सामने, इनका पूरे परिचय हम गुप्ता जी से ही जानेंगे, है ना। ये है जी गुप्ता जी सामने, इनसे पूरा इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं, ताकि आप तक सटीक जानकारी जो है गीता भवन के बारे में पहुंच सके, और आप यहाँ आए। बिल्कुल मैंने बताया आपको, KDB डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है, उचित व्यवस्था है यहाँ पर, AC रूम, नॉन AC रूम, और लंगर प्रसाद के लिए सेवा भी आप कर सकते हैं। किस किस तरह से क्या है वो मैं जब संगत का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें गुप्ता जी आपको बताएंगे। फिलहाल मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं जी। गुप्ता जी नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो इसके बारे में बताएं सर आप मंदिर के बारे में, और थोड़ी जानकारी दें। ये श्री कुरुक्षेत्र रेस्टोरेशन सोसाइटी के नाम से 1921 में बाऊ दयालीराम जी चोपड़ा, जो पटियाला में DPI पंजाब थे,
उन्होंने इसका नीम पत्थर रखा। ये संस्था उस वक्त जब जो भी वायसराय थे उनके काल कमलों द्वारा शुरू की गई। जी जी, इसको इस आइडिया से जी, और सरोवर में लोग स्नान करने आते थे जी, क्योंकि भगवान ये ऐसा कहा गया है जी, किताबों में जी, के भी संपत्ति अमावस के दिन जी, और भगवान कृष्ण खुद आते हैं जी, जी, और उन्होंने ये वादा भी किया था जी, अपनी गोपियों के साथ के भी मैं एक बार वहां आया करूंगा जी, और आप लोग वहां आए तो मेरे को वहां पाओगे जी जी जी। तो ये बात उस वक्त से प्रथा चली आ रही है जी। तो इस ये सरोवर काफी बड़ा है, लगभग 5 किलोमीटर का डायमीटर है जी 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 जी। इसको शुरू में घाट बनवाए गए राजा लोगों से प्रार्थना करके जी, और उसके बाद जी कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जी जी जी, जो इस संस्था ने जो कार्य संभाला था जी जी, जो 48 कोस की जो भूमि है कुरुक्षेत्र की, जहाँ पे कौरव पांडव का आपस में एक विशाल युद्ध हुआ जी, और जी, और ये भूमि के बारे में ये भी कहा गया है कि ये इसकी मिट्टी बिल्कुल लाल हो गई थी जी जी जी, और आज भी एक इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ जी, उसके खंडरात उसके चिन्ह उपलब्ध हैं जी जी जी, जैसे द्रौपदी कूप है, तो ये जैसे भद्रकाली मंदिर है जी जी, वहाँ ये कहा गया है कि भी यहाँ पे अंग जी माता के अंग तखना माता का, तो वो एक मतलब इसको शक्तिपीठ के नाम से जी जी जाना जाता है जी जी जी। तो ये जो गीता भवन श्री कुरुक्षेत्र एसोसिएशन सोसाइटी है जी, इसमें प्रतिदिन जी ठीक 11 बजे जी निःशुल्क भंडारा लोगों द्वारा दिए गए दान से चलाया जाता जी 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 जी। तो ये संस्था में संपत्ति अमावस का दिन जैसे आज है जी, तो जो भी संपत्ति अमावस आती है संस्था के कार्यकर्ता उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जी जी, और यही इस दिन सारी रात जागरण होता है जी, और जैसे संपत्ति सोमवार को होती है जी, और उससे पहले इतवार जो आता है उस इतवार को सारी रात सब लोग जो अपने भगवान का जागरण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं जी जी जी, और भगवान से अपनी रिद्धि सिद्धि और धन दौलत और बीमारी को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। 13 गुना फल मिलता है यहाँ ब्रह्मसोवर पर स्नान करने से। और एक उसके बारे में किताबों में ये बात कही गई है कि सारे दुनिया में कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दिया गया दान 13 गुना फैलता है जी जी जी। अगर आप 1 रुपया दान करते हैं तो उसका आपको 13 रुपए के बराबर फल मिलता है जी जी जी। ये पूरी तरह भरा जाता है। सरकार इंदिरा गांधी जी भी यहाँ आए थे जी जी। अब सरकार ने इंदिरा गांधी जी आए थे यहाँ कौन से सन में? सन मेरे को जवानी याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा। वो कोई तस्वीर कोई फोटो लगी हो? हाँ, हमारे उसमें लगी है। अच्छा। हमारी संस्था में लगी है। अच्छा, तो अच्छा, वहाँ अच्छा। पे जो मिनट्स बुक है उसके ऊपर वो साइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा। वो संस्था में लगी हुई है फोटो जी, जी। तो यहाँ पे आपको अगर देखना हो तो वहाँ पे जिन्होंने उस वक्त वायसराय थे उन्होंने जो उद्घाटन किया था उसका पिलर भी लगा हुआ है। हाँ, वो बाहर मैंने देखा पहले, वो मैंने देखा। और यहाँ ये वायसराय, इसके अतिरिक्त जी जो रेवा स्टेट थी जी, रेवा स्टेट के महाराजा काफी समय तक जी कुरुक्षेत्र रेस्टोरेशन सोसाइटी के प्रधान रहे हैं जी जी। उस परिवार ने जी इस संस्था को जी इस यानी के कुरुक्षेत्र को जी डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया जी, जी जी। और भगवान ने भी उनकी प्रार्थना मान करके जी उनको हर सुख प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिया जी जी जी। तो ज्यादा ना कहते हुए जी तो मैं यही कहूंगा कि भगवान ने इस संस्था को जो आशीर्वाद दिया उसी आशीर्वाद से ये संस्था के कार्यकर्ता आज 102 साल से अपने अथक प्रयत्नों से इसे चला रहे हैं। धन्यवाद। माध्यम से लोग इसे देख पाए और धन्यवाद जानकारी उन्होंने हमारी ये बात
बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रयत्न किया जी, जी, मैं जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो प्रेस रिपोर्टिंग है, जो टीवी माध्यम से या अपने वीडियो माध्यम से लोगों को दिखाएंगे, वो लोग भी इनके आसान मंद रहेंगे। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।